नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग नदियों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी के अंदर जो लोगों के मवेशी है वो डूब चुके हैं और लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में अपना सामान उठाकर एक स्थान से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। या आप वीडियो में देख सकते हैं कि मवेशी जो हैं किस तरह से निकले हुए हैं और सड़कें पानी में बिल्कुल पता नहीं लग पा रही हैं। कई तो टूट करके बह चुकी हैं, कई पुल पानी के जो हैं वो बह चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है और वहीं पंजाब अम्बाला के नज़दीक घग्गर में पानी आ चुका है और कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर घग्गर का नदी का जो पानी है वो जलस्तर काफ़ी ऊपर उठ चुका है और यमुना का पानी तो बताया जा रहा है कि खतरे के निशान पर पहुँच। वहीं मार्कंडेय नदी उफान पर है और पूरा का पूरा जो पानी है वो किनारों से बाहर आकर के शहरों की तरफ बढ़ चुका है। आप इस वीडियो में स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से नदियां उफान पर है और नदियों का पानी बह करके सड़कों की तरफ आ रहा है। सड़कों की तरफ क्या पूरी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, चारों तरफ बुरे हालात हैं। लोग अपने गंतव्य की तरफ जहां जा रहे थे वहां कोशिश कर रहे हैं किसी भी शॉर्ट रास्ते को अपनाने की, लेकिन जो सड़कें हैं उनमें पानी भर चुका है। बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के खेल रचती है। आप देख सकते हैं कि बरसात पहले भी हुई थी, बाढ़ भी आई थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए थी और पानी का जो जल स्तर था वो काफ़ी बैठ गया था, नीचे हो गया था, लेकिन अब दोबारा से बरसात जो है पहाड़ी इलाकों के अंदर, हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर काफ़ी बरसात हुई है। लोगों का जो है आवागमन बीच में रुक चुका है और काफ़ी फसलों को नुकसान है। सबसे ज़्यादा जो है फसलों को नुकसान इस समय पहुँचा है। ये देखिए, नदियों का जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर है और किनारे तोड़कर नदियां बाहर की तरफ बह रही हैं और कई जगह पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर रास्ते भी रुक गए हैं। ये आप घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी का जो है वो आप देख सकते हैं, अम्बाला की तरफ जो है ये पानी काफ़ी वहां पर आसपास के क्षेत्र में बरसात हुई है, उसकी वजह से ये पानी जो है इसमें घग्गर में पहुँच चुका है। ये पानी अभी अभी आया है पंचकूला, बारिश बहुत हुई है, रात की सारी रात की बारिश चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त बारिश पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश है रात की, बड़ा तेज़ पानी पीछे से आ रहा है।